अभी थोड़ा सा पास चल के दिखाते हैं। अभी ये देखिए, ये इसका छिलका हटाने के बाद ये जो बनती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज मैं करने जा रहा हूँ एक धाकड़ वीडियो की शुरुआत। अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खेती, किस चीज़ की, धान की। अभी हमारा धान काफ़ी गिर गया है, ये देखिए। तो भाई धान हमारा पकने वाला है, कुछ ही दिनों में पक जाएगा और इसको काटने का समय आ गया। अभी आज है 23 तारीख, कल दीपावली है, दीपावली के बाद धान काटा जाएगा, हो सकता है हमारी भी बलि चढ़े धान काटने में अभी। और ये वाला जो मेरा खेत है, इसमें अभी एक बार और जुताई होगी इसकी, उसके बाद इसमें बोया जाएगा सरसों। और इधर भी एक ऐसे ही खाली पड़ा है, इधर आलू बोया जाएगा। अगर इधर आप देखेंगे तो हमारी ईख इधर, और ये देखिए केले की एक घार भी लगी हुई है। घार मतलब जो फल लेता है, ये यहाँ पे देखिए कपड़े से ढका गया है बोरे से। आप आइए, आपको हम केला खिलाते हैं। और तो आइए आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि खेती कैसे की जाती है, हम आपको खेती के बारे में बताएंगे। तो ये हमारी ईख है, दिख रही है आपको, और ज़्यादा ईख तो नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ी सी ईख हो ही गई थी तो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा सा पास चल के दिखाते हैं। अभी ये देखिए, ये इसका छिलका हटाने के बाद ये जो बनती है, इसको कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में पेरने के बाद इसका रस निकाला जाता है, और रस निकाल के फिर इससे गुड़ बनता है और राब बनता है। यही गन्ना है जिसके बारे में कहा जाता है ना, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। ये वही वाला कोल्हू है जिसमें पेरा जाएगा। अगर देखिए, ये धान है, धान सबसे पहले इसका ये जो बीज है, थोड़ा सा नुकसान करना पड़ रहा है आप लोग। ये जो बीज है ऐसे ऐसे लगाया जाता है, जब बारिश होती है जुलाई के महीने में, जब बारिश होती है तब इसको बोया जाता है खेत में, उसके बाद वहाँ से उखाड़ उखाड़ के पूरे खेत में लगाया जाता है, इतना बड़ा है। देखिए ये पूरा लगाया गया है, हमारी जो ये वाले बीज की बुआई होती है वो वहाँ पे होती है, वहाँ से उखाड़ उखाड़ के पूरे खेत में लगाया जाता है। उसके बाद इसमें पानी दिया जाता है, पानी देने के बाद जब पक जाता है, हवा आता है तो ऐसे गिर भी जाता है, ये भाई नुकसान हो जाता है किसानों का। तो ये बहुत दुख की बात होती है किसानों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। यार मैं भी तो किसान का ही बेटा हूँ, और मैंने काफ़ी दिनों तक यहाँ पर खेती किसानी किया है। मैं यहाँ तक कि हमारे यहाँ टमाटर बोया जाता था, उसको हमने तोड़ के उसको बेचा भी है मार्केट में, ले जाके मूली हमने बेची है, बहुत सारे काम हमने किए हैं गाँव के। हाँ तो इसके आगे जब ये पक जाएगा, अभी थोड़ा सा और इसमें टाइम है, 2-4-10 दिन में ये पक जाएगा, इसके बाद इसको काट के ले जाएंगे हम ऐसे खटिया पे या पलंग पे, वहाँ पल्ला डाल के उस पर सटकेंगे। सटकने के बाद जब ये वाला निकल जाएगा, इसको निकाल के फिर हम क्या करते हैं कि थ्रेसर बुलाते हैं, धान कूटने वाला, जिसको हम लोग धनकुट्टी कहते हैं या राइस मिल कहते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, फिर इसको ऊपर का छिलका निकाल के फिर इसका चावल बनता है। भाई काफ़ी मेहनत होती है इससे फिर से चावल बनाने में उगा के, तो किसानों की काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग समझ सकते हैं।